नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अनरेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। इस सिस्टम के बाद अब इस देश को एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम अफेक्ट करने जा रहा है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे और साथ ही जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज गुरुवार 19 सितंबर, हिमालय की तराई वाले इलाकों में आज बिखरे हुए रूप से गरज के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र बहुत कमजोर हो गया है, फिर भी उसके सर्कुलेशन से निकलते हुए बादल से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली NCR और पूर्वी राजस्थान के कुछ अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कल शुक्रवार 20 सितंबर, कल भी हिमालय की तराई वाले इलाकों में बिखरे हुए रूप से गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। सिस्टम का इन्फ्लुएंस चले जाने के बाद से अब राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंचने की संभावना है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। उत्तर मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बना निम्न दबाव क्षेत्र और दुर्बल हो गया है। हालांकि सिस्टम के रेमनेंट सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित है और मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तरों तक फैला हुआ है, और वह भी ज्यादा देर टिकने नहीं वाला, और मॉनसून ट्रफ समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति के करीब है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। डिप्रेशन के रेमनेंट सर्कुलेशन से निकलते हुए बादल से मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में सप्ताह के दौरान बिखरी हुई रूप से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद कोई नए सिस्टम के इन्फ्लुएंस के चलते 24 और 25 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 23 से 25 सितंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश और 22 से 25 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसी सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में ही अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद वहीं कोई नया सिस्टम के चलते 24 और 25 सितंबर को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में 21 और 22 सितंबर को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 से 25 सितंबर तक, और पूर्वी भारत और अरुणाचल प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 22 और 23 सितंबर को, असम और मेघालय में 21 और 22 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। अंत में कोंकण और गोवा में व्यापक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के शेष क्षेत्रों में बिखरी हुई से लेकर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं आज से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरा मौसम की संभावना है। जो नए सिस्टम के इन्फ्लुएंस के बात कर रहे थे वह ये है जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर रहे थे। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार यह एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन है और बहुत जल्द ही इसका लैंडफॉल हो जाएगा, या फिर जब तक यह वीडियो आएगा तब तक इसका लैंडफॉल हो चुका होगा। इस ट्रॉपिकल डिप्रेशन की इन्फ्लुएंस से बहुत जल्द ही महज 4 से 5 दिन के अंदर बंगाल की खाड़ी की पूर्वी भागों में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप करेगा, जो कि आगे चलकर लो प्रेशर एरिया और अगर संभव हो तो डिप्रेशन तक भी बन सकता है। पिछले वाले सिस्टम की तरह इसका भी प्रभाव पहले पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पड़ेगा और आगे चलकर इसका प्रभाव भारत के बाकी हिस्सों में भी पड़ने लगेगा। इसके ऊपर और कोई नया अपडेट आता है तो तुरंत आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कृपया अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें, और ध्यान दें ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।